नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुंडे बदमाशों के मकानों को खोदकर मैदान बना दूंगा। मामा का बुलडोजर चल पड़ा है और अब रुकेगा नहीं। गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगाकर ही दम लेगा। उन्होंने गुंडे बदमाशों से सख्त लहजे में कहा कि गरीबों और कमजोरों को सताना बंद कर दें या मध्य प्रदेश छोड़कर चले जाएं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिलवानी के ग्राम खमरिया में हुए विवाद में मृत राजू ध्रुबे के परिजनों से मुलाकात करने चंद्रपुरा पहुंचे थे। उन्होंने परिजनों को संवेदना व्यक्त करते हुए ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह व डॉक्टर जयप्रकाश किरार भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों और आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले हर अत्याचार को सख्ती से रोका जाएगा और अत्याचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं स्वर्गीय राजू की विधवा पत्नी, मेरी बहन श्रीमती मायाबाई से मिलकर आ रहा हूं। बूढ़े पिता भी है नारायण सिंह, माता भी है, एक भाई भी घायल हुआ है और तीन छोटे छोटे बच्चे, एक तो गोद में ही है अभी, दो बेटे हैं, एक बेटिया है, नन्हे और मासूम। इन नन्हे और मासूम बेटा बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। इन बच्चों की मां विधवा हो गई, बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे की लाठी का सहारा चला गया। पर अभी भी वो कह रहे थे कि हमें तो अभी भी डर है, हमारे साथ धोखा हो सकता है। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन ले, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। ये गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले, दुराचार करने वाले, ये समझ ले, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बीहड़ों में डाकुओं की, चारों तरफ डाकुओं का आतंक था। तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक डाकू नहीं बचा, कोई डकैत ग्रोह बचने नहीं दिए। और आज भी कोई खमरिया अकेले का न सोचे, सहडोल में आप देख लो क्या कार्रवाई हुई है, सिवनी में बुलडोजर चलाए, श्योपुर में बुलडोजर चलाए, जावरा में हमने जो मैंने कहा है मकान खोद के मैदान बना दिया। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे।